मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 अंतर्गत 8वीं किस्त अंतरण समारोह का आयोजन जिला स्तर पर डीआरपी लाइन स्थित सामुदायिक भवन में प्रातः 11 बजे आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंच पर उपस्थित अतिथियों के स्वागत से की गई। कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा द्वारा लाडली बहना योजना के बारे में बताते हुए कहा गया कि बहुत जगह पर देखा गया है कि इस योजना से बच्चों और महिलाओं के जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। कलेक्टर द्वारा लाडली बहनों से पूछा गया कि कितनी बहनें लाडली बहना योजना से मिलने वाली राशि का सदुपयोग एवं बचत करती है। एक महिला द्वारा बताया गया कि इस योजना से जो भी राशि प्राप्त होती है उसे अपनी बेटी के खाते में ट्रांसफर कर देती है, जिससे वह अपनी शिक्षा में उपयोग करती हैं। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। किसी का जीवन चल सकता है तो बिना सूर्य के, बिना प्रकाश के, बिना ऊर्जा के संसार में अंधेरा है। तो अंधेरे से अंधेरे को चीर के आगे बढ़ने का विश्वास दिलाने वाला अगर कोई त्योहार है तो संस्कृति का पर्व मतलब संक्रांति का पर्व है। तो इसीलिए उसको अलग अलग प्रकार से मनाते हैं। कितने प्रकार से मनाते हैं? आप अपने तरह से मनाओगे, बच्चे पतंग उड़ा के मनाते हैं और ये पतंग भी अपने आप में उपकरण का काम करता है। बच्चे को विटामिन डी मिले, वो ठंड में छत पे जाकर के सूर्य की धूप ले तो लेंगे कैसे? तो पतंग के बहाने से वो पतंग तो उड़ाएंगे बाद में, पतंग का आनंद बाद में लेंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा शरीर के साथ विटामिन डी देने का तरीका भी कितना अच्छा अपने यहाँ जोड़ लिया है। अब ये अपने इतने अच्छे ऋषि मुनि अपने सारे त्योहार में कोई ना कोई चीज जोड़ कर कितने प्रकार का अपना ज्ञान देते हैं जो समाज के लिए उपयोगी है। तो आज इस अवसर आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।